सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है कि जब उन्हें कहा जाएगा कि आप साबित करो, कागज दिखाओ कि आप देश के नागरिक हो, तो इस देश में गरीबों के पास कागज नहीं है, 70% से ज्यादा लोगों के पास कुछ भी दिखाने को नहीं होगा, कागज दिखाने को नहीं होंगे, तो फिर उन लोगों को कहा जाएगा कि आप देश छोड़ के जाओ, तो वो कहाँ जाएंगे? ये देश तो अपना है, ये देश तो सब लोगों का है, यहीं पैदा हुए हमारे बाप दादा परदादे सब यहीं पैदा हुए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सभी लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या बर्ताव होगा, खासकर गरीब आदमी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब लोग इस टाइम डरे हुए हैं। इस कानून से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मेरी हाथ जोड़ के अपील है सभी केंद्र सरकार से कि इस कानून को इस टाइम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरत इस टाइम है तो युवाओं को रोज़गार देने की है। हम सब लोगों को मिलके इंतजाम करना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए हम रोजगार पैदा करें, और इस कानून के मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। वाईफाई आपने लॉन्च किया लेकिन इंटरनेट सर्विसेज बंद है, ये बड़ी विडंबना है कि जिस दिन आज लॉन्च कर रहे हैं उसी दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद करनी पड़ रही है पुलिस को। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हालात सामान्य होंगे और इंटरनेट सर्विसेज फिर से चालू होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि निशाना साध रहे थे, सीएम ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बेहद खराब है और मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूं, लोगों में डर है कि उनके पास कागज नहीं होंगे तो देश से उनको निकाल दिया जाएगा, वो कहां जाएंगे। मैं सबसे अपील करता हूं कि शांति और संयम के साथ काम लें, और साथ ही मैं सरकार से अपील करता हूं कि ये कानून लाने के बजाय